बड़ा गर्दा रिपोर्टर है सर। अरे भैया मानते हैं कि एक बिहारी सौ पे भारी है। ये पढ़ने वाला है आपके फोटोज है। ओके सर मुझे एक बात बताइए, मुझे लगता है कि दो साल में हमारे देश में अपने बच्चों का नाम इतना सोनू रखा गया है, इतना सोनू रखा गया है, इतना सोनू, जिसका जन्म हुआ सोनू सोनू सोनू। मुझे लगता है कि स्कूल में ना हर एक बच्चे का नाम क्या नाम है तो सोनू। अब मैं एक और बात बताता हूँ, जब मैं एक्टर बनने मुंबई आया तो सबने कहा यार ये नाम क्या हुआ सोनू, सूर्य कोई नाम होता है क्या? कल तुम एक्टर बनोगे तो लोग बोलेंगे हीरो का क्या नाम है यार, सोनू सूर्य, अरे नाम अच्छा नहीं है। तो मैंने बोला यार नाम चेंज करना शुरू करते हैं। उस समय ये आर्यन आर्यमन ऐसे बड़े नाम फैशन के थे, तो मैंने कुछ ऐसे नाम रखते हैं, कुछ आर्यन सूद आर्यमन सूद ऐसा रखते हैं, लेकिन वो नाम चेंज नहीं कर पाया। मैंने बोला कि जब सोनू सूद मुझे यहाँ तक लेके आया तो सोनू सूद नाम आगे भी ले जाएगा। सोनू सूद आपके साथ खड़ा कर दिया था कि सो मच। अरे क्या बात है मेरे भाई। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मूवीज में मैक्सिमम मूवीज में आपने हमेशा नेगेटिव रोल प्ले किया, और अगर रियल लाइफ की बात की जाए तो आप सबसे सक्सेसफुल और लोगों के मसीहा हैं। बिहार में तो सारे लोग आपको एक्टर नहीं बल्कि मसीहा नाम से बुलाते हैं। तो जब रियल आपने रियल लाइफ में ये रोल प्ले किया जो बहुत डिफरेंट था आपके रियल लाइफ कैरेक्टर से, तो आपने ये कैसे किया, क्या क्या चेंजेस अपने अंदर लाए? अरे दीदी जो ना कमाल का हुआ। एक और चीज सर, अगर आपने लिट्टी चोखा खाते हुए फोटो खिंचवाया हो तो कल से सारे लिट्टी चोखा पर पैनल पर आपका फोटो होगा। मैं लिट्टी चोखा की बड़ी फोटो खिंचाई और लिट्टी चोखा पैक करके मैं बम्बई भी लेकर जा रहा हूँ। सर वो पिट्ठा भी है सर हमारे पास, तो दे दो यार पैक करके, क्या टेंशन है। किसी के पास पिट्ठा बना हुआ है घर में प्लीज मंगवा लो। बड़ा गर्दा रिपोर्टर है सर, देख रहे हैं आपको गमछा दे दिया। उतर जाइए बर्दाश्त कीजिए जी। नहीं नहीं आपको शर्ट खोल देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भैया मानते हैं कि एक बिहारी सौ पे भारी है, लेकिन ये तो पुराना हो गया, अब एक बिहारी हजार पे भारी। सोनू जी ए? अभी अभी उन्होंने गमछा दिया, वो कह रहे हैं हम शर्ट भी देना चाहते हैं, ना पाजल कर क्या? अरे शर्ट आप पहनी रखे, गमछा हम संभाल लेते हैं, क्या बात है भैया। मोबाइल है ना, इसलिए मोबाइल से कैसे तालियां बजेगी, एक दूसरे में मोबाइल टकरा सकते थे किसी मजबूर रूम में फान। सो ओके ओके शॉट तो मचा सकते हो यार। एक बार फिर इसे कहते हैं सर वार्म वेलकम। और आपको मैं बताऊं सर कि आजकल दो गाड़ी में एक्सीडेंट जब होता है ना तो सीधे कहते हैं सोनू निगम सोनू सूद, बोलता है कि नहीं निगम मत बनूंगा तो सोनू सूद, उसके बाद प्यार शुरू हो जाता है दोनों में। ओके सर थैंक यू सो मच टू ऑल, और शो को आगे बढ़ाने का वक्त हो चला है। रोड डांसिंग को आप लोगों ने अभी तक देखा है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, तो थोड़ा भोजपुरी अंदाज में फिर से देखिए, और इस बार आपके अपने सुपरस्टार सोनू जी के साथ। ओके मुझे मुझे लग रहा है सर कि